कर क्या रहे, उनका गेम समझ में नहीं आ रहा है। संजय जी ने तो बहुत रोबस्टली उनको डिफेंड कर लिया है कि ठीक है भाई, एनसीपी का स्टैंड है, एनसीपी की अलग सोच है, लेकिन क्या कहेंगे इस पूरे खेल में, ये क्या खेल चल रहा है, शरद पवार का कौन सा खेल है? क्या उन्होंने ये कहना ठीक होगा कि उन्होंने मोदी जी के साथ हाथ मिला लिया है विपक्ष को लहूलुहान करने के लिए? जी देखिए, सबसे पहले मैं तमाम वरिष्ठ साथियों को हृदय से नमन करना चाहूँगा और थैंक यू वेरी मच अनिलू जी फॉर गिविंग मी अ चांस इन दिस डिबेट। संजय तटकरे भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और इत्तेफाक से वो स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के, तो जाहिर सी बात है कि वो डिफेंस करेंगे और ऑफेंस में नहीं रहेंगे। और रही बात पवार साहब की, तो उन्होंने बहुत सही कहा कि 52 वर्ष के एक्सपीरियंस है उनके पास, वो कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि उनकी कई बार तो ऐसा होता है कि उनके सगे संबंधियों को, उनकी बेटी को, उनके भतीजों को नहीं पता होता कि पवार साहब क्या करने वाले हैं। और इसी तरह का परमाणु बम उन्होंने अभी फेंक दिया, किसी को भी मालूम नहीं था, अब फेंक दिया तो इसका होगा क्या? होगा ये कि पवार साहब एक पावर के नाम, पवार मीन्स पावर, महाराष्ट्र में उनका एक पावर है। अब पवार साहब ने ये बम फेंकने के बाद थोड़ा बैकफुट में जरूर आए वो कि नहीं मेरा ये उदाहरण नहीं था, नहीं मेरा रीजन नहीं था, लेकिन रीजन कुछ भी हो, ऑपोजिशन तो बस ये मान के चल रहा है कि कहीं पवार साहब और अडानी साहब के बीच में समझौता तो नहीं हो गया। ऑपोजिशन ये मान के चल रहा है कि कल तक पवार साहब जो हमारे साथ में थे, हमारे जिंदाबाद में जिंदाबाद और मुर्दाबाद में मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, आज अचानक क्या हो गया कि रातोंरात शरद पवार जैसा दिग्गज नेता महाराष्ट्र का वो अडानी के गुण गा रहा है, अडानी के पक्ष में बात कर रहा है। तो सवाल देखिए, मैं संजय भाई आपको तीखा जरूर लगेगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई चीजें जो हैं जो पवार साहब को अभी नहीं समझ में आ रही है, चाहे वो उनकी मंत्रियों के अरेस्ट को लेकर हो, चाहे वो ईडी की दबाव को लेकर हो, चाहे वो सीबीआई के दबाव को लेकर हो, चाहे वो अजीत दादा पवार पर लटकी हुई तलवार को लेकर हो, चाहे वो अजीत दादा पवार के संबंधित या साथियों को गिरफ्तारी का मामला क्यों ना हो, तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं पवार साहब को परेशान जरूर कर रही हैं। तो ये बैकफुट में जाना ये भी माना जा सकता है कि पवार साहब अगले 15-20 दिन में ये सफाई साफ हो जाएगा कि पवार साहब ने आखिर ये बैकफुट क्यों लिया। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पवार साहब के कई दिग्गज नेता एनसीपी के आज सलाखों के पीछे हैं, कई सलाखों के पीछे जाने की तैयारी कर रहे हैं और कईयों के ऊपर इल्जाम लग चुके हैं, FIR बनने की तैयारी हो रही है। तो ये पवार साहब एक पावर दिखाने का भी एक तरीका हो सकता है। हालांकि पवार साहब को झुकाना, पवार साहब पर दबाव डालना इतना आसान नहीं है महाराष्ट्र में। हम सब देख चुके हैं कि ईडी ने जिस तरह उनको एक बार समन भेजा था, ईडी किस तरह बैकफुट में आ गई और हाथ जोड़कर बोला कि साहब आपको आने की जरूरत नहीं है। तो पवार साहब के पावर को हम जानते हैं, लेकिन ये बैकफुट में जाना अचानक, ये भी पवार साहब की एक रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है नीलू। क्योंकि आने वाला समय, मैं आपको पहले कह रहा था कि 2024 ज्यादा दूर नहीं है, 2024 के नजदीक आते आते बहुत ही उथल पुथल हमें राजनीतिक गलियारों में देखने को मिलेगी, कई लोग यहां से वहां जाएंगे, वहां से यहां आएंगे, लेकिन पवार साहब का जाना बीजेपी के साथ कतई मैं मंजूर नहीं कर सकता, अपने तसव्वुर में भी नहीं इसको सोच सकता कि पवार साहब कभी बीजेपी को खुला समर्थन देंगे। वजह कही है, हालांकि नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी ये पवार साहब को अपना गुरु मानते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन पवार साहब कभी उनके साथ जाएंगे या वो इनके साथ आएंगे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति, जो पवार साहब के समर्थन करते आए हैं लोग, वो वोट बैंक की राजनीति अगर ये यहां से वहां या वहां से यहां होते हैं तो वो कट जाएगी। और यही देखने को मिला कि 2019 के इलेक्शन के बाद किस तरह अजीत दादा पवार वहां जाके शपथ लेते हैं और कुछ ही घंटों में वो पासा पलट जाता है। तो ये पवार साहब की पावर है, इनके पावर को आप और मेरे जैसे शख्सियत चैलेंज नहीं कर सकती। ठीक है, आपने लेकिन एक पॉइंट जो बोला, पवार साहब की क्या पावर है ये तो खैर किसी से छुपी नहीं है, लेकिन शोभाटिया जी मैं अब आपके पास वापस आती हूँ कि अगर ये बात सही है कि